न्याजी साहब थे, डी एस पी साहब, वो इंतकाल कर गए, पेशाब के रहने वाले। तो कारी जाना मिला था, था। उनसे मैं मिला, मैंने कहा उन्होंने कारी जाना था। हाँ जी। अब मैंने जो उनकी नकल उतारी ना, अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि वो ड्रामा देखने आए। अच्छा, मुझे चौकीदार ने आगे बताया कि बात नसरुल्लाह खान न्याजी साहब का मिलना आया। मेरी जान निकल गई, मैं क्या ड्रामा तो नहीं देखा कर रहा, फैमिली के साथ बैठे हैं। मैं बाहर आया तो नसरुल्लाह खान न्याजी साहब बैठे, मैंने कहा मैंने कोई सवाल नहीं देखा था तो मैं नहीं देख सकता। मैंने कहा सर सॉरी, मैं तो उसे देखा सी तो मैं ड्रामा दे, मतलब आज तो बाद तो मेरी नकल लाई ना, उत्तर मैं तेरी नकल बाट सकती। मैं कहा सॉरी सर, माफ कर दो, बच्चा पर चबल गई। अब मैं इस तरफ चल पड़ा, वो उधर भी चल पड़े, दो कदम पीछे कर दिया। गार सुन, जब भी पा हॉस्पिटल दी, मैंने कहा ना मैं फिर तो इस गलू खुश हाँ, एक ड्रामे आते थे फिल्म आते वर्दियां नहीं ठीक पा दे, एक किसे तो खोल ले नहीं कर रहे थे, तो बावादार आते थे कने डेटा पे आवंदा कर दी, इस शर्ट में बाहर काट लेते बैल्ट नहीं पा दे, तू यार वर्दी बड़ी जबरदस्त है, तू यार डेढ़ घंटा हो गया मैं तेरे देख रहा पे, तू बोलो सारे ने पले नहीं आओ। मैं कहा सर बड़ी मेहरबानी, 1000 रुपये उन्होंने मुझे इनाम दिया। मैंने कहा मैंने अले 1000 रुपये तेरा इनाम है कि एक पुत्र तेरे करोड़पति बना दे, बस उनकी दुआ लगी शायद कि आज तक वो मैं पिछले 15, 16, 17 सालों से वो करेक्टर करता आ रहा हूँ, कमल का कभी भी उससे दिल नहीं भरा कि मैंने भी कह यार। इतनी बड़ी रकम 1000 रुपया अगर मिल जाए ठाकुर साहब को, अंदाजा लगाया, और फिर उन्होंने संभाला कैसे अपने आप को, वरना चाहते तो बुरी आदतों में भी पड़ सकते थे, 1000 रुपया खर्च करना आ जाए पास 1000 रुपया। अच्छा आप नकल की बात कर रहे थे, आज किसकी नकल सुनाए आप, आप किसकी आवाज सुनना चाहते हैं, कुछ हम नकलें हम भी उतार के दिखाते हैं आपको। हाँ जी, इमरान खान जी, मेरे पाकिस्तानियों, ओए आज साकिब की सालगिरह है, ये वो साकिब साहब है जिस जमाने में मैं क्रिकेट खेलता था तो ये अंपायरिंग करते थे, मुझे अंपायर का मैक्सर कहता था ना, अंपायर की उंगली उठने वाली है और कोई नहीं, ये अंपायर है, ये कौन अंपायर है, इंदा आई हेट यू। साकिब साहब उस जमाने में स्कोरिंग करते थे हमें। साकिब साहब के एक और दोस्त थे जावेद मियांदाद, वो याद है आपको? जी बिल्कुल याद। वो किस तरह गुफ्तगू करते थे ये भी याद है आपको? मेरी और साकिब साहब की जब मुलाकात पहली बार हुई ना, वो मुझे आज भी याद है, हम लोग छोटी छोटी होती थी, मैं भी छोटा सा था, साकिब भी छोटे थे, मोटरसाइकिल भी छोटी सी थी, उसकी टैंकी भी छोटी सी थी, क्लासी में हम भी थे छोटे छोटे, तो छोटे छोटे मोटरसाइकिल पे दूधी पतली टैंकी पे बैठ के हम लोग फिरते रहते थे सारा दिन, याद है? याद है साकिब? माने जो हमने 92 का वर्ल्ड कप जीता था ना, उसका गाना हमने साकिब को ने याद करवाया था, द वर्ल्ड इज कमिंग डाउन द फ्लैग दादा पूजा नबी नंबर 1, मुझे आज भी याद है, मजाक नहीं। फिर ठाकुर साहब देखे ना, इतने बड़े आदमी हमारे साथ खड़े हैं, आप भी क्रिकेट खेलते रहे? हाँ जी, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो इन जमाम को जो से नहीं जानते हैं आप? नाली में जाता था तो ठाकुर साहब पीछे से उठा के लाते थे। अच्छा ठाकुर साहब कह रहे हैं शेख रशीद की आवाज सुनाए। जितनी मेरी सियासी बसीरत है, पहले तो टोटल पे लाना था क्योंकि क्या मेरी जिंदगी है जी, अरीन दार साहब जिनको कोई दूसरी बार सालन ना दे, उनके सवालों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है, उनकी मैं कह रहा हूँ जवाब नहीं जा रही, मैं मौके ना सुनाऊं तो नहीं,
यूसुफ अगलानी साहब की आवाज से कोई पता नहीं होगी, ये इनकी ना बड़ी अजीब सी आवाज थी, बात करते करते ऐसे बोलते आधी बात छोड़ देते। तो यूसुफ रजा के नानी बताते हैं कि उनकी ठाकुर साहब के साथ बड़ी पुरानी जान पहचान। ठाकुर साहब एक बड़े कंजूस आदमी थे अपनी जवानी में। तो मैंने देखा इनको, तो एक दफा इन्होंने नमक के पैकेट के ऊपर चीनी लिखा हुआ था। अगले साल दो होंगे फिर वो। फिर इनकी दोस्ती बिलावल भुट्टो के साथ भी, वो जो हमारा दोस्त मेरे भाइयों मुझे आज भी याद है जब इफ्तिखार ठाकुर अंकल अपना लंबा सा नाक लेके मेरे सामने आए थे, बिलावल हाउस आए थे, मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब तो दरवाजे से कभी आते ही नहीं, ये तो दीवार साहब के आने के आदि हैं। दरवाजा बंद रखो तो नीचे दरवाजे के नीचे से भी आ जाते हैं, पानी के पाइप में से भी आ जाते हैं, वो इनका नाक बीच में फंस जाए तो तने जाते हैं दरमियान में। तो ये भी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो आपका दुकान वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हमने बड़े प्रोग्राम किए हैं, आपको शायद बच्चों को तो ना पता हो, उनके साथ हम मजाक ये करते थे, उनको आदत ये थी बताना हंसते बहुत थे बात करते हुए, और हर चीज की करेक्शन करने की उनको आदत थी, उनका कैरेक्टर ही इस तरह का था। तो जैसे अभी आप अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम है? मुदस्सिर। अंतिम हजरात, ये लफ्ज मुदस्सिर नहीं होता, ये लफ्ज होता है मदरसा। ये हम करते थे उनके साथ, ये हमारी पुरानी पुरानी यादें।